पानीपत में हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा पानीपत इकाई की मीटिंग प्रदेशाध्यक्ष संजय राठी से विचार विमर्श के बाद जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई। जानकारी देते हुए हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिला प्रधान सरदार कुलवंत सिंह ने कहा कि आज पानीपत इकाई की मीटिंग कर कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें संरक्षक के तौर पर डॉक्टर जगदीश आहूजा को कार्यभार सौंपा गया। उप प्रधान का पद जितेंद्र अहलावत और सलीम खान को सौंपा गया। सह सचिव रमा देवी, कैशियर चांद मिगलानी, प्रवक्ता विक्की बत्रा, मीडिया प्रभारी हैप्पी बुद्धि राजा और सह मीडिया प्रभारी कुलदीप केके को कार्यभार सौंपा गया। ये जो आज बनाई गई है, मैं यही कहूँगा कि ये अपने कर्तव्यों द्वारा अच्छी मतलब ये संस्था बने। वहीं जिला प्रधान कुलवंत सिंह ने कहा कि जब भी हमारी यूनियन के किसी भी साथी द्वारा हमारी जरूरत होगी तो वो हमेशा साथियों के साथ खड़े रहेंगे और पानीपत की जनता की आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आज हमने कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें मेरे साथी जो हैं मेरे साथ रहेंगे और हम लोगों ने एक ऐसी युवा टीम तैयार की है और साथ में जो पदाधिकारी नहीं है वो सदस्य जो हमारे बने हैं वो भी सारे युवा हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि पत्रकारों के लिए जो समस्याएं पत्रकारों के बीच में आ रही थी उस समस्याओं को दूर करने के लिए एक समूह जो बनाया गया है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों हम किसी और संस्था के साथ जुड़े थे लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अब हम जो है उस संस्था के साथ नहीं हैं। HUJ रोहतक के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं संजय राठी जी, उन्होंने बातचीत की, हमारी बातचीत हुई तो अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे उनके विचार थे और उन विचारों से प्रभावित होके हमने जो है HUJ रोहतक जो है वो ज्वाइन की है और तमाम हमारे जो पत्रकार साथी हैं आज उनकी मीटिंग हुई है तो उसमें जितेंद्र अलावत हैं उनको उप प्रधान बनाया गया है और सलीम जी हैं वो प्रिंट मीडिया से हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं। सलीम जी हमारे साथ उप प्रधान हैं और देवेंद्र शर्मा महासचिव हैं इसमें और साथ में रमा देवी जी हैं वो सचिव हैं और चांद मिगलानी जो हैं खजांची बनाए गए हैं और विक्की बत्रा जो हैं प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और साथ में मीडिया प्रभारी जो हैप्पी बुद्धि राजा हैं और उनके साथ कुलदीप जो हैं वो उनके सह मीडिया प्रभारी हैं और इस सब में जो है हमें आशीर्वाद मिला है, डॉक्टर जो है डॉक्टर साहब हैं उनका आशीर्वाद मिला है और वो संरक्षक के तौर पर हमारे ऊपर नज़र बना के रखेंगे। जगदीश आहूजा जी हैं संरक्षक के तौर पर, हमें देखेंगे कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में जो सारा काम होगा और हम उम्मीद करते हैं कि पानीपत में ये टीम हमारी जो है अच्छा काम करेगी और हम तमाम पत्रकारों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे और जिन जिन लोगों को जिन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है हम लोग बैठ के उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे और एक अच्छी टीम जो है आज आप हम लोगों ने बनाई है और हम लोग जो भी लोग देख रहे हैं हम आपका प्यार भी चाहिए और आपका भी मार्गदर्शन है जो भी हमारे को चाहिए। हम लोग देखो गलतियां होती हैं इंसान से, हम लोग गलती करें तो आप लोग बिल्कुल हमें टोक सकते हैं तो ये पूरी टीम हम लोग जो है आज वाइसो पानीपत के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई है और अच्छे जो सुझाव हैं वो भी हमने लिए हैं, जो बातें रखी गई हैं उन बातों को अमल में लाया जाएगा और भविष्य में जो भी पत्रकार साथियों को जैनुअन दिक्कत होगी, व्यक्तिगत दिक्कत नहीं जो जैनुअन दिक्कत होगी तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और आपको फिर से बता दें HUJ रोहतक हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो संजय राठी जी हैं उनकी अध्यक्षता में IMA जो है पदाधिकारी हमने बनाए हैं और उनकी अध्यक्षता में जो है मीटिंग भी की गई है। उनका फ़ोन आया था कि आप अपनी टीम तैयार करो और उनकी देख रेख में ही आज उनसे भी बातचीत हुई, उनकी देख रेख में हमने जो है एक मीटिंग करके तमाम जो है पदाधिकारी बनाए हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए और मैं अपनी टीम से भी कामना करूंगा कि ये टीम जो है शहर में अच्छा काम करे। वहीं यूनियन के नए बने पदाधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उन्हें बखूबी निभाएंगे। आज जो है यहाँ वाइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बहुत ही अच्छी एक टीम जो निकल के आई है, युवा टीम है और जो पत्रकारों की समस्याएं जो आएंगी जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया कि वो समय समय पर जो भी पत्रकार की जो जनमन समस्या होगी उसको लेकर ये टीम जो है काम करेगी, निष्पक्ष काम करेगी और जैसा कि पिछले लंबे समय से इस टीम को अनुभव है, प्रधान जी को भी अनुभव है, पूरी जो देख रेख में इनकी जो है वो अच्छा काम होगा। आज तमाम जो साथी हैं वो मिलकर के आज मीटिंग की गई और तमाम मुद्दों पर जो HUJ रोहतक की जो
संजय राठी जी की अध्यक्षता में जो बातचीत हुई, यहाँ पर मीटिंग की गई, तमाम साथियों ने अपने सुझाव दिए और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसका कैसे विस्तार किया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा की गई। अच्छा लगा और इस संगठन को और आगे लेकर के जाएं, हमारे साथी एकजुट रहें और आगे समाज में भी अच्छे कदम उठाएं, जो सराहनीय कदम हो, जिसको लेकर के चर्चा शहर भर में हो, ऐसी कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से हम आगे ऐसे ही बखूबी निभाने का प्रयास करें। HUJ रोहतक संस्था द्वारा जो आज एक पानीपत में कार्यकारिणी की बैठक की बुलाई गई थी और उस बैठक में हमें जो सेवा का मौका मिला है, अपना प्रयास रहेगा कि उसको हम बखूबी निभाएं और सब एकजुट परिवार होकर हम एक दूसरे के दुख सुख में साथी रहें, और यही मेरी आप सबसे अपील है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे HUJ के जो रोहतक से संजय राठी जी का, जिन्होंने हमारे पानीपत शहर के अंदर बड़े ही बेबाक पत्रकार और सीनियर पत्रकार सरदार कुलवंत सिंह जी को पानीपत की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने जो अपनी टीम का आज गठन यहाँ पर किया, जो मुझे सेवा दी गई कैशियर के पद पर, मैं पूर्ण रूप से उस पद पर अपना खरा उतरूंगा और जिस प्रकार की जो भी योजना रहेगी, जिस प्रकार की जो विस्तार करना होगा, पूरे तरीके से किया जाएगा। धन्यवाद कुलवंत जी का। धन्यवाद, पहले तो ये मीटिंग बुलाई और उसमें आज हमें सबको सदस्य के रूप में जोड़ा गया है और ये यूनियन पत्रकारों के हित में आवाज़ उठाएगी और बस आगे जैसे भी होगा। आप कुलवंत जी, आप बताइए। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी जी का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने सरदार कुलवंत सिंह को प्रधान के रूप में चुना है पानीपत के लिए, और कुलवंत जी के संरक्षण में जो आज टीम बनाई गई है वो एक बहुत ही उम्दा टीम साबित होगी, क्योंकि आज तक जितनी भी यूनियन यहाँ पर आई हैं काम तो करते हैं लेकिन समय आने पर वो कहीं ना कहीं नादार्द मिलते हैं, नाम की टीमें होती हैं, लेकिन आज जो ये टीम बनी है HUJ की, ये मैं चाहती हूँ दिल से कि ये एक ऐसी टीम बने जो अपने साथियों के साथ साथ अगर कोई और भी मुसीबत में हो, दुख दर्द में हो, उसकी भी मदद करे। ये मेरा अपना खुद का विचार है और इस खुद के विचार को मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम खुद ग्रहण करे और एक दूसरे के सहयोगी बने। आज जो ये HUJ द्वारा जो संगठन बनाया गया है पानीपत की, जो कार्यकारिणी घोषित की है, सबसे पहले तो मैं प्रधान कुलवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो सभी साथियों को इतना अच्छा जो पद दिए, अच्छी जिम्मेदारी दी। और मैं पानीपत की जनता से यही बताना चाहूँगा, पहले भी जो मीडिया के साथी है आप लोगों की आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी जो है इस तरीके से आप लोगों की आवाज़ उठाते आएंगे। आज एक नए जोश के साथ पानीपत शहर के लिए काम करने की जो इच्छा लोगों के अंदर जगी है, आप सभी साथियों का और जो सभी कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के सभी साथी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि यूनियन पिछले कई सालों से पत्रकारों के हितों के लिए काम करती आ रही है और पत्रकारों की आवाज़ उठाती भी रही है। प्रदेशाध्यक्ष संजय राठी ने कुछ दिन पहले ही पत्रकार कुलवंत सिंह को जिला प्रधान और देवेंद्र शर्मा को महासचिव नियुक्त किया था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।